आज कार्तिक शुक्ल तृतीया रविवार 7 नवंबर 2021 है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की राग भोग व श्रृंगार सेवा सहित प्रभु दर्शन करते हैं। देख रहे हैं दिव्य शंकरण। मैं भाविका जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के चौपाटी बाजार के कल सायंकाल के दृश्य हैं। यम द्वितीया अर्थात भाई दूज के साथ ही पंच दिवसीय दीपोत्सव संपन्न हो चुका है, लेकिन प्रभु दर्शनार्थ वैष्णवों की जनमेदनी अब और अधिक उमड़ रही है। इसके पीछे जो कारण है वह यह है कि अधिकांश वैष्णव लाभ पंचमी करके अथवा यम द्वितीया का स्नान करके प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा आते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर मंडल का प्रशासन, स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन मिलकर सभी वैष्णवों को सुविधा पूर्वक दर्शन हो पाए, उन्हें सभी सुविधाएं, आवासीय सुविधा, भोजन व्यवस्था, यात्रा सुविधा आदि सुलभता से मिल सकें, इसके प्रयास में लगे हुए हैं। कहीं कहीं छोटी मोटी परेशानियां आती हैं तो उनका तात्कालिक समाधान भी किया जा रहा है। हालांकि फूल गुलाबी मौसम होने और पर्याप्त व्यवस्थाएं होने के कारण वैष्णवों के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है। यह स्थानीय नया बाजार के दृश्य हैं, जहां पर मुख्य द्वार है प्रभु श्री जी के दर्शन के लिए जाने का। स्थानीय निवासी भी पर्याप्त मार्गदर्शन कर इस जनमेदनी को सुलभता से दर्शन करवाने के प्रयास में लगे हैं। कोरोना के पश्चात यह दृश्य सभी को सुकून देने वाले हैं। आप सभी का श्री जी की नगरी में स्वागत है। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह उन दिनों में धराया जाता है जिन दिनों के लिए श्री जी की सेवा प्रणालिका में कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होता है। इसकी प्रक्रिया के तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा सर्वोपरि रहती है, जिसके तहत मौसम के अनुसार तत्सुख की भावना से पूज्य तिलकाय श्री की आज्ञा से मुखिया जी द्वारा यह श्रृंगार धराए जाते हैं। इन दिनों इंद्रमान भंग के दिन चल रहे हैं, अतः कार्तिक शुक्ल तृतीया से अक्षय नवमी तक इंद्रमान भंग के पद गाए जाते हैं। कान कुंवर के कर पल सबसे पहले प्रभु श्री जी की साज सेवा के दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज आसमानी रंग की जरी की वस्त्रों जैसी ही रूपरी हाशिया वाली पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। पड़गा बंटा आदि जड़ाऊ स्वर्ण के रहते हैं। अन्य साज सज्जा नित्यवत रहती है।
प्रभु के आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आसमानी जरी के वस्त्र धराए जाते हैं, जो रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। वस्त्रों के प्रकार में सूथन, चोली एवं चाकदार वागा धराए जाते हैं, जिनके साथ ठाड़े वस्त्र गुलाबी रंग के धराए जाते हैं। वहीं श्रृंगार आभरण सेवा में प्रभु को आज छेड़ान का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण गुलाबी मीना के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज आसमानी जरी की छज्जेदार पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज दो जोड़ी कर्ण फूल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ कमल माला और श्वेत तथा पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के एक कमल की कमल छड़ी, लाल मीना के वेणु जी एवं दो वेत्र जी जिनमें एक स्वर्ण के रहते हैं धराए जाते हैं। श्री चरणों के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। तो खेल के साज में आज पट आसमानी एवं गोटी चांदी की पधराई जाती है। विशेष में आज संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ व श्री मस्तक पर धराए श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं और छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लूम तुर्रा रूपहरी धराए जाते हैं। राग सेवा में मंगला में आज याते जीव भावे सदा श्री गोवर्धन धारी, राजभोग में तारब तारो री ब्रजजन, आरती में अरि सुरराज आज पायन पर्यो, शयन में बदरन अंबर छायो आज, मान के पद में माननी मान में रो कयो, पोढ़वे के पद में रचित रुचिर रच सेज बनाई, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का भोग प्रभु को अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। चलिए अब दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। मानत पर्वदी वारी को सुख, मानत पर्वदी वारी को सुख, हटरी बैठे I'm not afraid to die।
धारा ना
रंग करत सब गोप कुमार, रंग करत सब गोप कुमार। मानत पर्व दिवारी को सुख मानत पर्व, मानत पर्व, मानत पर्व दिवारी को सुख। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर धन नृत्य करे, मानो गोवर धन नृत्य करे। जो जो कान उठत मुरली में, जो जो कान उठत मुरली में, त्यों त्यों कर पल्लव पर मानो गोवर धन नृत्य करे। दीप जरे दामिनी दमक मानु दीप जरे, ग्वाल ताल दे नी के गावे, ग्वाल ताल गायन के संग स्वर जु भरे, गायन के संग स्वर जु भरे। कान कुमर के कर पल्लव पर मानो गो पर धन नृत्य करे, सकल गोपी जन बरखा को जल अमित भरे। यह अद्भुत अवसर गिरिधर को, यह अद्भुत अवसर गिरिधर को, नंददास के दुख घरे, नंददास के दुख घरे। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। खेलत है पिय प्यारी पासा, खेलत
तय है पिय प्यार रतना खचित चौकी पर डार तरत न खचित चौकी पर डार हसत करत किलकारी हसत करत किलकारी पासा खेलत है पिय पहलो दाव पर्यो श्यामा ओ पहलो दाव पर्यो श्यामा को पीत पिछोरी अब की बेर पिया मुरली लगावो तो रंग रहे गो भाजी पासा खेलत है पिया प्यार चल बल करके जीती भावे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए देव शंकरा। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साय एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।